अभी हम जम्मू से बाइकार पहलगांव की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल आएगा जो कि जम्मू से पहलगांव को जोड़ते हैं। पहलगांव में अच्छी बर्फ़ पड़ी है, अच्छा कस्टमर आ रहा है, आपके जैसे घूमने आते हैं इधर एंजॉय करने के लिए। ये है हमारा ड्राइवर संदीप शर्मा, जम्मू के रहने वाले पंडित है। होटल पहुँच गया वो टूरिस्ट पैलेस। ये है जन्नत, द पैराडाइज ऑन अर्थ। बट यहाँ आके जो एक्सपीरियंस हुआ वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बस थोड़ी ही देर में हम लोग निकलने वाले हैं साइट सीइंग के लिए। सामने जो दो बंदे दिख रहे हैं इन्होंने हमको चार घोड़े और साथ में दो गाइड दिए हैं। अब ध्यान से सुनिए गाइड क्या बोल रहे हैं। जो यहाँ पर पुराने जमाने के राजा थे ना, उन्होंने यहाँ पर एक तीर से दो शिकार खेला था, शेर और हिरन का, इसलिए इसका नाम पड़ गया डाइबियन प्लेस, हंटिंग प्लेस। कल सारी रात बारिश हुई, स्नोफॉल हुआ, इसलिए से बर्फ जमी हुई है। ये ओल्ड पहलगांव वैली है। पहलगांव वैली, ओल्ड पहलगांव, बहुत सुंदर नजारा है। एक तीर से दो शिकार, ये कहावत यहाँ का पुराने जमाने के जो राजा थे हरी सिंह उन्हीं से ही शुरू हुआ था। तो चलते चलते गाइड ने हमको बहुत सारे कहानी बताए, बहुत सारे सच जानने को मिला जो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस ट्रेकिंग में कदम कदम में खतरा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इतना ही एडवेंचरस ट्रैकिंग है ये। और ये है बायसन वैली, पहलगांव में ये मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये चाचा हमको घुमाने लेके आए हैं गाइड। ऊपर वाले ने बड़े फुर्सत से बनाया है इस कश्मीर को, इसीलिए इसको धरती का स्वर्ग बोला जाता है। अभी ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी सौंदर्य को संभाल के रखने का। इसे कश्मीर का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ये देखो चारों ओर बर्फ है, यहाँ सीटें बनाई हुई है और यहाँ पर ना चाय वाय की भी व्यवस्था है, ठीक है, स्की कर सकते हैं। यहाँ आने के टाइम में गाइड के साथ कहानी सुनते सुनते तो किसी भी तरह पहुँच गए थे, पर वापस लौटने के समय घोड़ा जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तब हम लोग बहुत ही डर गए थे। लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक पेड़ गिर के रास्ता बंद हो गया, नीचे लाइडर नदी बह रहा है और घोड़ा खाद के किनारे में खड़े खड़े अपना बैलेंस बना रहे। पहलगांव घूम लिए, हॉर्स राइडिंग भी हो गया, अब जान से खेल के होटल वापस लौटा हूँ। इस होटल में हम लोग ठहरे हैं पहलगांव में, होटल टूरिस्ट पैलेस। बहुत अच्छा सर्विस है इस होटल का और स्टाफ लोगों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा लगा। हम तो रेटिंग में 5 में 5 देंगे इस होटल को। मैं हमेशा बिना शुगर का कड़क ब्लैक टी पीता हूँ, जब जब ऑर्डर किया हूँ विद इन 10 मिनट्स मुझे मिल जाता था। हम लोग जिस रूम में ठहरे हुए हैं उस रूम से बाहर का ये नज़ारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आज पहलगांव में हमारा 3रा दिन है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, रात भर स्नोफॉल्स हुआ, सुबह सानी वेदर, टेम्परेचर अभी का -5 चल रहा है। क्या नज़ारे, ये है कश्मीर, ये आज सुबह पहलगांव के सीन है। घड़ी में अभी 9:30 बज रहे हैं, लगेज पूरा पैक हो गया, बस ब्रेकफास्ट करते ही हम लोग गुलमर्ग के लिए निकल गए। पहलगांव टू गुलमर्ग मेरा पूरा कश्मीर ट्रिप का 2nd पार्ट है और 1st पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिसमें हम दिखाया है जम्मू एयरपोर्ट से लेकर वैष्णो देवी और वहाँ से पहलगांव। अभी हम लोग पहलगांव छोड़ के श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते का असली कहानी तो अभी बाकी है। हमारा हीरो ड्राइवर
बीच बीच में गायब हो जाता है। सुबह 10:30 के आसपास ब्रेकफास्ट करके हम लोग गुलमार्ग के लिए रवाना हुए थे। थोड़ा आगे चल के एप्पल वैली के बीच में से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। ये देखो दोनों तरफ एप्पल गार्डन है, ये इसका नाम ही एप्पल वैली है। एक पहलगाम से जाते समय वापसी श्रीनगर जाते समय रास्ता पड़ता है अंदर से। अब एप्पल गार्डन के अंदर हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ वो देखिए। ये देखो कैसे एप्पल तोड़ रहे। ये ग्रीन एप्पल, मैं जहाँ अभी आया हूँ वो ग्रीन एप्पल है। ये देखो ये पूरा जितना दूर देख रहा हूँ बस एप्पल गार्डन पूरा। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम? मोहसिन। मोहसिन रियाज। मोहसिन रियाज। सलमान खान? सलमान रियाज। एप्पल गार्डन के अंदर मैं वीडियो शूट कर रहा था, इस बीच में दो कश्मीरी बच्चे आए और हमसे दोस्ती हुआ। वो दो एप्पल लेके मेरे बेटी को दिए। सलमान मायूक और मोहसिन रियाज, ये दोनों एप्पल तोड़ रहे थे। इसके बाद ये बगीचे का मालिक ये चाचा से मुलाकात हुआ, इन्होंने भी मेरे बेटी को एप्पल गिफ्ट किए। ये है चिनार पेड़। नाम तो सुने थे, आज सामने से देख लिया चिनार जी। भी केसर खरीदने के लिए हम लोग इस दुकान में आए। केसर दिखाएंगे। केसर में से हमारे पास क्वालिटी एक ही है, इसमें क्वांटिटी का अंतर है, इसमें 1 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक है। यहाँ थोड़ा शॉपिंग करके यहाँ का मस्त एप्पल शेक पी के हम लोग गुलमार्ग की तरफ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में गुलमार्ग और श्रीनगर का स्टोरी दिखाएंगे, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिए। श्रीनगर और डाल लेक का एक्चुअल कहानी के ऊपर वो वीडियो दिखाने वाला हूँ। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे।